अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद यूपी में सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य और पूर्व राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि जिस तरह उनकी मौत के बाद कुछ तथ्य सामने आ रहे हैं वो इस निधन को संदेह में लाते हैं। ये एक रहस्यमयी मौत है। कांग्रेस ने अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालत में हुई मौत पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच की निगरानी में सीबीआई से कराने की मांग की है। प्रदेश मुख्यालय पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य और पूर्व राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने घटना पर आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि खुद को योगी कहने वाले सीएम के उत्तम प्रदेश में अब तक 21 संतों की हत्या या संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो चुकी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत संत समाज के लिए ही नहीं देश के लिए भी दुखद है। इस घटना के तथ्यों को छुपाने का अपराध किसी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि योगी राज में साधु संत भी सुरक्षित नहीं रह गए हैं। महंत से घटना के एक दिन पूर्व मिलने वाले उप मुख्यमंत्री से उनकी क्या बात हुई, ये भी जांच का विषय होना चाहिए। विपक्ष ने महंत की मौत पर बीजेपी को घेरते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि योगी राज दुशासन राज में तब्दील हो गया है। यहाँ वाई श्रेणी सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति भी सुरक्षित नहीं रह गए हैं। जिस तरह ये दुखद घटना हुई है उससे देश मर्माहत है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि महंत के कमरे का दरवाजा खोलकर उनका शव किसके कहने पर बिना पुलिस बुलाए ही उतार लिया गया। योगी के शासन में किसी की जान सुरक्षित नहीं है। अपराध में देश में टॉप पर विराजमान उत्तर प्रदेश में साधु संतों की हत्या पर पर्दा डालने का पाप हो रहा है, लेकिन कांग्रेस इस पाप को होने नहीं देगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यह आम चर्चा है कि महंत हस्ताक्षर करने पर भी असमर्थ थे, फिर 7 पृष्ठों का सुसाइड नोट किसने लिखा, मठ की संपत्ति हड़पने का उच्च स्तर पर षड्यंत्र किसने किया। यदि सुसाइड नोट को ही सच मान लिया जाए तो उसमें 3 व्यक्तियों का नाम है, लेकिन किसके इशारे पर FIR में 1 व्यक्ति को ही नामजद किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, माय भारत।